इंदौर में नगर निगम द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के तहत गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की अलग से व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत निगम ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर पीओपी से बनी प्रतिमाओं का विसर्जन सामूहिक रूप से किया। वहीं तेज बारिश के चलते कई पंडालों में ही गणेश विसर्जन किया गया। देखें इस रिपोर्ट में। दरअसल इंदौर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए प्रमुखता से 3R कॉन्सेप्ट यानी कचरे को रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज करने में लगा है, जिसके तहत निगम प्रशासन कई अभियान भी चला रहा है। इसी क्रम में आज निगम ने शहर भर से एकत्रित किए हुए पीओपी की गणेश प्रतिमाओं को विधिवत पूजन के बाद विसर्जित किया। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम ने शहर भर के पंडालों और घरों से पीओपी की मूर्तियों को इकट्ठा किया था, जिसके बाद पीओपी से बने गणेश प्रतिमाओं को जवाहर टेकरी स्थित कुंड में विधिवत पूजन के बाद विसर्जित किया गया। जोनों के माध्यम से लगभग 100 वाहन छोटे बड़े सब मिलाकर के लगभग 100 वाहन के माध्यम से पूरा इन पर फोकस किया गया। कल से वहां पर रखने की व्यवस्था की गई, टेंट की, तंबू की, मंच की, तख्तों की, और वहां पूजा अर्चना कर लोग बड़े उत्साह के साथ भारी संख्या में पहुंच रहे थे, जुलसे के साथ वहाँ पहुँच रहे थे, और उन लोगों ने वहाँ पर स्थापित किया। अधिकांश लोगों ने जिनों की मतलब मिट्टी की प्रतियाँ बनाई थी, लोगों ने घर पर भी उसका विसर्जन किया है। लेकिन जो जिन्होंने जोनों पर नगर पालिका निगम के जोनों पर मूर्तियां पहुंचाई है, उनको हमने पूरे विधि विधान से सबकी भावनाओं को समझते हुए, सबके भाव को समझते हुए माननीय महापौर जी के निर्देशन में हमारे आयुक्त महोदय के विशेष सहयोग से यह कार्यक्रम आज हम यहां संपन्न कर रहे हैं नगर पालिका निगम की ओर से। मैं सूरज करो प्रभारी राजस्व नगर पालिका निगम इंदौर। पिछले कई दिनों से इंदौर और उसके आसपास के जिलों में हो रही बारिश और प्रशासन द्वारा नदी तालाब में लगाए प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध के मद्देनजर इंदौर के कई बड़े पंडालों ने भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन पंडाल में ही करना तय किया है, जिसके तहत आज टैंकरों से पानी लेकर पाइप के माध्यम से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। निगम ने शहर वासियों से नदियों और तालाबों में प्रतिमाओं के विसर्जन न करने की गुहार लगाई थी, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए निगम ने शहर में करीब 100 स्थानों पर पर्यावरण हितैषी कुंड लगाए थे, जिनमें शहर की हजारों मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही पीओपी की गणेश प्रतिमाओं को विधिवत विसर्जन करने की भी अलग से व्यवस्था की गई। इसके तहत शुक्रवार को उनका सामूहिक विसर्जन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।